हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, तो मेरा घर का पूरा काम हो चुका है और आज मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि खेत अभी जैसे खेती बाड़ी अब आ ही गया है ना, तो क्या बोलते सब धान मतलब थरने गए हैं। मेरे घर वाले सबका सब चले गए हैं, तो आज मैं अकेली घर में हूँ। अब बाबू भी है मेरे साथ, देख सकते हैं। और आज का मौसम भी थोड़ा सा एकदम बना दिया है बद्री के जैसा। क्योंकि अब तो खेती बाड़ी का सीजन भी आ गया है और धान पान भी मतलब की वो चीज करना है मतलब की। तो देख सकते हैं हम लोग की तरफ पूरा कभी खेती बाड़ी पूरा किसान चल रहा है। अभी पूरा खेत पूरा जोता गया है, इधर का सब तरफ का खेत जोता गया है। और क्या है कि जोतने के बाद फिर इसमें धान बुनेंगे, फिर छोटा छोटा धान होगा, फिर उसको रोपा रहेंगे, फिर बीड़ा रेंगे ऐसे करके। अब आज का मौसम ही थोड़ा सा एकदम बदरी की जैसा कर दिया है ना, क्योंकि पानी ये देख सकते हैं हम लोग का इधर का पूरा खेती पूरा ट्रैक्टर से पूरा जोता गया है खेत। क्योंकि आज मैं अकेले घर में हूँ ना, और ये देख सकते हैं आप, उसमें बैठी हुई हूँ। ये हम लोग का ये चीज बना दिए हैं इसके पापा बैठने के लिए, ये देख सकते हैं आंगन में भीटका के जैसा। और इधर भी बनाएंगे, लेकिन अभी उधर का मतलब अभी घर में टाइम नहीं मार पा रहे हैं ना बनाने के लिए। अब टाइम मिल जाएगा ना तो वो भी बनाएंगे। क्योंकि इधर से बैठेंगे तो इधर का पूरा नजारा इधर से दिखता है, दरवाजा को पूरा ऐसे करके खोल देंगे तो बहुत अच्छा से। और क्योंकि दोस्तों अब मेरा भी डिलीवरी टाइम आ चुका है, ज्यादा दिन भी नहीं बचा है। अब मेरे बाबू है कि बात हो गया था छोटा सा। हाँ करीस है, ले जा पानी लोटा में, है दे डब्बा में ले जा, ए दे आए गाड़ी के डब्बा में, तुम ले जा। कर बड़े कर इसकी। हाँ। मैं अभी मतलब कि सुबह उठी तो अभी मतलब खाना बनाने के लिए खाना बनाई हूँ, लेकिन दाल अभी मेरा बना नहीं है, कहे कि लाइट गोल हो गया। अब अभी उन लोग भी नहीं आएंगे अभी खेत तरफ से, थोड़ा टाइम लगेगा आते, तो पता नहीं अगर लाइट आ जाएगी ना तो हो गया, फिर दाल रहा लूंगी। अब मतलब हम लोग के तरफ ना पता ही नहीं क्या हो गया है हम लोग का आम का पेड़, कि हम लोग का आम का पेड़ है ना तो फल ही नहीं रहा है, 2 साल हो गया हम लोग का आम, पता नहीं क्या हो गया है फल ही नहीं रहा है। अब कल तो एकदम बहुत सारा काम भी किए और पैर आ रहा था तो सबको मतलब कि घर में रखे। देख सकते हैं अभी वहाँ का दरवाजा है बाहर का, चलिए आपको दिखाती हूँ पीछे से कैमरा करके, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हम लोग का कोठा रूम है, यहाँ गोबर को रखी हूँ क्योंकि मेरी अभी सास आएगी ना तो मैं मतलब वहाँ पर लिपेंगे। तो ये देख सकते हैं कल पैरा को यहीं भरे, इस घर में पूरा फूल हो गया है पैरा, ये देखिए। देख सकते हैं वहां का पैरा था, यहाँ पर पैरा था तो कल पूरा पैरा को यहीं पर लाके भरे, और दूसरा वाला पैरा है कि यहाँ पर पूरा पैरा को कर दिए हैं यहाँ, क्योंकि धान बारी को पूरा बुनेंगे ना, जोंडरी उंडरी कुछ कुछ जगाएंगे तो इसके, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं घोरना वाना पूरा घोर दिए हैं।
आप तो देख सक रहे हैं पूरा घुना घोर घोर आ गया है, क्योंकि अब बारी में कुछ कुछ बुनेंगे तो पूरा यहाँ पैरा पूरा भर दिए है। अब गरु को इसी यही यही से गरु को खिलाते हैं यहाँ पर। यहाँ लोग को छोटा सा कोठा रूम है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चलिए आंगन की तरफ चलते हैं। ननी एक चड्डी ला पहना, तो देख सक रहे हैं यहाँ पर कितना पूरा सब सामान को पूरा ला के वहां का सामान यहाँ कर दिए हैं। पूरा इसमें पूरा लकड़ी है, और क्या है कि वहां पर पैरा रख दिए हैं ना, तो वहां बन ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर पूरा रख दिए हैं लकड़ी ये सब। ये मांदर है, फूट गया है यहाँ पर का, इतना भी नहीं बचता है, क्योंकि लकड़ी लोग है तो इतना सारा है ना कि मतलब कि अब बच्चा होने होगा तो उन्हें उसके लिए लकड़ी ये सब तो सेकाई वगाई करने के लगेगा है ना। सुना पहन मम्मी ओला रह दे, ओला रह दे, बैठा हुआ है तेला कहाँ गई? अच्छा हाई धाई फेकल आवे, ओला कर, ओला पहना, पहन मम्मी पहने दाऊ। ये मेरा बाबू है, बहुत नटखट है, पहना पहना है पहना है। कोई मम्मी जल्दी जल्दी पहनी मम्मी काका काका मेरा बाबू है कि काका ओ पापा सुबह उठा ओ काका ओ पापा करने के लिए चिल्लाने लगा। पहन मम्मी, इसके दीदी चड्डी इसको पहना रहे हैं, देख सकते हैं। अरे गाड़ी है कि गाड़ी को छोड़ता भी नहीं है, हैं ये देख सकते हैं, गाड़ी को नहीं छोड़ रहा है, ये गाड़ी में एकदम खेलता रहता है ना बदमाश। तो दोस्तों हम लोग को उस रूम है कि बहुत अभी गंदा है, अभी उसको झाड़ी भी नहीं हूँ, मतलब बाहरी भी नहीं है ना, तो उसको जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर लेते हैं। बहुत ज्यादा गंदा पड़ा हुआ है ऐसा सकते हैं, यहाँ भी लकड़ी कर दिया है लेकिन अंधेला में उतना ज्यादा भी दिखेगा ही नहीं। यहाँ ये देखें यहाँ पर, चलिए आपको दिखाती हूँ। हम लोग का मुर्गा है ना, मुर्गी वो ना अंडा मतलब क्यों चीज की है, तीन ठंडा हो गया है, नहीं दिख रहा है ना। ननी अलग एक लन नए गोरसी लाइट है, ये देख सकते हैं आप, बस गोरसी ही लगा के लाई है। ये देख सकते हैं तीन ठंडा मुर्गी अंडा पारी है कर। तो चलिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा झाड़ू मारने के लिए। तो झाड़ू मार लेती हूँ यहाँ का, क्योंकि पूरा कचड़े कचरा हो गया है ना यहाँ पर, पूरा एकदम बिखरा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा कचरा पूरा भर गया है यहाँ पर। अब मेरे को जहाँ कचरा रहता है ना वहाँ मेरे को ये बिल्कुल अच्छा ही लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को साफ सफाई बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कल हम लोग से चटी चावल मिला ना, तो ये चना है ये रखे, हम लोग दो जन का कार्ड है ना, तो मतलब दोनों कार्ड में मिलता है, तो ये चना का ये यहाँ कर देती हूँ। अब क्योंकि थोड़ा साफ कर लेती हूँ इधर का,
पूजा करती हूँ ना मैं, इसलिए मात्र चुप चले पा देख सकते हैं कचरा भी फेंक ली हूँ। ठीक है चलिए आपको आप पहले का नज़ारा दिखाती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं कचरा भी फेंक चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको तो दोस्तों आप तो देख सकते हैं मैं पूरा काम कर चुकी थी और झाड़ू भी लगा ली हूँ। हमारे यहाँ एक तो सुई नहीं थी ना, तो पेट मिसवाना था, तो वही पेट मिसवा रही थी तो थोड़ा सा इसीलिए टाइम लग गया। आप मेरे बाबू को देख सकते हैं कैसे चल रहा है। मितेश इधर देख, मितेश हेलो बोल दे बेटा, हेलो बोल दे, ऐसे टाटा बोल दे। किसी की बात नहीं मानता ये लड़का, बहुत बदमाश हो गया है। जैसे बाढ़ते जा रहा है ना वैसे ही बहुत बदमाश हो जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों आज के ब्लॉग इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज। बाय बाय।